सचिव चुना गया है, किस प्रकार की संस्था है और क्या कार्य रहेंगे आप? मैं पूर्व में भी संस्था का सचिव था और आज भी सचिव हूँ, और आने वाले टाइम में जो चुना गया है निर्विरोध संस्था के लिए, तो मैं कार्य कर रहा हूँ। पिछले हमारे जो मार्गदर्शक थे सैयद अब्दुल बारी, उन्हीं के टीम के लोग हैं हम, और वो काम कर रहा है शिक्षा का। हमें यहाँ कुछ लेना देना रहता नहीं है और निस्वार्थ ये सेवा करते हैं हम, और इसका जो भी खर्च होता है वो इसी में खर्च होता है और इसी में हो जाता है तनखा वनखा। तो ठीक है, आपका परिचय? शब्बीर अहमद, मधुर सेठ, मिलकारना। का आयोजन किया गया, किनका सम्मान किया, किस उपलक्ष्य में किया गया? हमारी संस्था ब्रेड प्रिंसिपल मुस्लिम एसोसिएशन के भी चुनाव संपन्न हुए हैं, मुझे सब लोगों ने सर्वानुमति से अध्यक्ष चुना है। मेरे साथ जो शब्बीर अहमद साहब बैठे हैं, ये सचिव चुने गए हैं, उसी संबंध में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं आप सब पत्रकारों के सामने। क्या कहना चाहते हैं आप समिति सदस्यों को लेकर? मैं क्या कहना चाहेंगे, हम तो यही संदेश देना चाहेंगे कि शिक्षण व्यवस्था बेहतर से बेहतर हो। हमारे पूर्व अध्यक्ष सैयद अब्दुल बारी साहब के निधन के बाद बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आ गई। हम चाहते हैं कि इस शिक्षण संस्था का जो शहर में नाम था वो नाम बरकरार रहे। मैं एक शिक्षाविद होने के नाते पूरे लगन से इस संस्था के लिए काम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि देवास के परिदृश्य पर ये संस्था बहुत शैक्षणिक क्षेत्र में बहुत उभर कर आए और देवास का नाम शिक्षा जगत में बहुत उभरे, ये मेरी कामना है। आपका परिचय? मैं डॉक्टर अब्दुल हमदान फारूकी, प्रोफेसर हूँ, यूनानी कॉलेज मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल भी हूँ, वहाँ डायरेक्टर हूँ, और यहाँ पर हम लोग सेवा करते हैं, यहाँ संस्था का अध्यक्ष हूँ।